नवी के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी संकोच मत करिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी चिंता मुझे। आज मैं हिंदी का पेपर आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बताऊंगा, सेट ए है ये। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम ये रचना हमारी आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को क्रोध नहीं आता? तो गधे को नहीं आता है। ये देखिए मैंने पूरा भर दिया, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर भर दिया है, समय आना ना हो, ठीक है। इसलिए अपन ने पहले से बहुत सारी चीज़ें आपको भर के रख दी है। पंचवटी, ठीक है, पंचवटी का आपका जाएगा खंड काव्य, दो बेलों की कथा प्रेमचंद जाएगा। विद्यालय की यदि हम बात करें तो यहाँ से देखो थोड़ा सा अपन इसको बड़ा करते हैं ना, ये यहाँ से विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है आपकी? तो विद्यालय में दीर्घ संधि है, पोतों की संतान, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा हो गया। पोतों की पहली संतान परदादी, कई अंकों वाली रचना, तो यह आ जाएगा नाटक टोपी, टोपी का जाएगा जूता, ठीक। यहां पर सत्य सत्य की बात करेंगे ना, तो सत्य है दो तीन चार, और पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठा बिल्कुल ये भी गलत रहने वाला है। एक वाक्य में, पहला एक वाक्य में अहंकारी बनेगा व्यक्ति आम नहीं खाएगा तो, ठीक है। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में है? नायक जो है उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में? तो महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में है दिग्गू समास। जर्नल मिथेया थीमेया को चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। इतना हो गया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? छायावाद के दो कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। कबीर ने किस प्रकार ज्ञान के महत्व का, ज्ञान को महत्व दिया है? यहां से अपना देखेंगे, सखी ने गोपी से कृष्ण का जैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों का एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? पूरा सॉल्यूशन दूंगा। देखिए आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आएंगे ना, पेपर का फॉन्ट चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, किसी बल्ले से भी हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन जो दे रहा ना उसको करूंगा, चार पेपर दूंगा, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से लगा के कैसे बल्ले से लगा के खल्ले तक कहीं से भी हो, मेरी जो आप दरी आपको अच्छे नंबर दे लानी है ना, यानी कि किसी भी बोर्ड से हो, हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, बल्ले बनी से, ठीक है। तो पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है, अलंकार की परिभाषा लिखी है उनके भेद, दोहा छंद की परिभाषा बतानी है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, महत्व बताइएगा, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू एवं फारसी क्यों नहीं सीख पाई, संधि किसे कहते हैं उसके भेद बताना है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो अरे प्रेमी ना मिलियो कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब भी समृत हो। यहां से अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। के बाद में अपन बात करेंगे तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 21, 22,